नमस्कार। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी लगभग सभी लोग व्रत रखते हैं ना नवरात्रि का, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर बनाने वाली हूँ मैं न्यूट्रिशियस मिल्क। तो उसके लिए हमने लिया है एप्पल, ये पीस करे हुए हैं, छोटी छोटी पीस किए हैं, ये इसमें डाल देते हैं। एक एप्पल ऐसा है, बिना छीला हुआ नहीं है इसको, और एक एप्पल हमने छील के लिया है, छिलका पतला हटा दिया है इसका। तो आप जैसा चाहें उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। दो यहाँ पर केले लिए हैं, उनके भी छोटे छोटे पीस किए हैं, वो भी ऐड कर देते हैं। और इसमें हम एक ग्लास दूध ऐड कर देते हैं। और इसमें हम एक चम्मच चीनी, पिसी हुई चीनी है, डाल देते हैं। आधा सा और हाफ और डाल देते हैं, क्योंकि फ्रूट वैसे ही मीठा रहता है, हल्का मीठा रहता है, तो इतनी ज़्यादा चीनी की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर लिए हमने दो इलायची पाउडर, वो भी ऐड कर देते हैं। और ये हमने लिए हैं, यहाँ पर हैं अखरोट और बादाम, इनको हमने ओवरनाइट भिगो दिया था। चार पीस लिए हैं अखरोट के और पांच लिए हैं बादाम, इनके छोटे छोटे पीसेस करके हम ऐड करेंगे। और ये हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और इसको भी हम ऐड कर देते हैं। और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और ये मेरा बहुत ही अच्छा मिल्क तैयार हो गया है। चाहे तो कम ज्यादा भी दूध की मात्रा और भी बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए एप्पल बनाना दोनों मिक्स हो गए हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया है और हमने अखरोट आप ऐसे भी डाल सकते हैं, बादाम भी ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन भिगाने से क्या है ना उसका थोड़ा सा गर्म रहता है ना, तो उसकी हीट कम हो जाती है और ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है वो। तो हमने भिगो के डाला है आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं चाहे तो, जैसे शेक बना सकते हैं, ना शेक बनाते हैं उस तरीके से इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो जैसे लाइट नहीं होती है इनकेस, तो इस समय आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको। और हमारे व्रत के लिए बहुत ही ताकत मिलती है हमें, ये बहुत ही अच्छा रहता है ये। और ये हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और आप इसका शेक बनाकर भी पी सकते हैं। अब इसको हम हाफ डिवाइड कर लेते हैं और शेक बना के आपको दिखाते हैं, इसमें निकाल लेते हैं। हमने हाफ कर लिया है और आपको ग्राइंड करके दिखाते हैं। अभी ये हमारा शेक बन गया है, देखिए आपका हमने शेक बनाया है और आप इस तरीके से भी पी सकते हैं इसको। ऐसे भी पी सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं इसको। और इसमें बहुत ही ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हमें बहुत ही एनर्जी देंगी और आपको पता ही है, और व्रत में बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत भी रहती है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। आप ज़रूर बनाइएगा इसको और जैसा आपके बच्चे या आप जैसा पसंद करते हैं उस तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। और ध्यान ये रखना है इसमें कि जब आप बनाते हैं उसी वक्त फ्रूट काटिएगा, नहीं तो आप पहले से काटेंगे ना तो वो काले पड़ने लग जाते हैं, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसी वक्त जब आपने पूरी तैयारी कर ली है ना, तो उसी समय आपको फ्रूट्स को काटना है। और आप बिल्कुल बनाइए, बहुत ही अच्छा है और आप मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। और आप बनाइएगा, दीजिएगा, उसके बाद हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।